और उधर यूक्रेन की सेना ने गजब ढा दिया है। ब्लैक सी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ब्लू बैटल ग्राउंड के जिस फाइटर पर पुतिन को फख्र था उसे यूक्रेन ने तबाह कर डाला। जी हां, यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग के 50वें दिन यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल के प्रहार से रूस का जंगी बेड़ा धुआं धुआं कर दिया। इस हमले की खबर जैसे ही क्रेमलिन पहुंची कोहराम मच गया। व्लादिमीर पुतिन इस वक्त बेहद गुस्से में हैं और वो यूक्रेन के अटैक का बदला लेने के लिए बहुत बड़ा एक्शन कर सकते हैं। यकीन नहीं होता कि जंग के 50वें दिन यूक्रेन रूस को इतना बड़ा झटका दे। यकीन नहीं होता कि पुतिन के सबसे विनाशक जंगी बेड़े को यूक्रेन इस तरह समंदर में अग्नि समाधि लेने पर मजबूर कर दे। यकीन नहीं होता कि यूक्रेन अब भी मैदाने जंग में डटा है, टिका है, अड़ा है। ब्लू बैटल ग्राउंड में जहां पुतिन की नेवी का डंका बजता है, जहां रूसी नौसैनिकों से टकराने की हिम्मत अमेरिका भी नहीं कर पाता, उस ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के वॉरशिप को मिसाइल से धुआं धुआं कर दिया। ब्लैक सी का चैंपियन माने जाने वाले रूसी युद्धपोत मोस्क्वा पर यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से अटैक किया। उसके बाद जो हुआ वो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि पुतिन के जिस समुद्री लड़ाके को ब्लैक सी का बेताज बादशाह माना जाता था, जिस पर अटैक करना लगभग नामुमकिन था, आखिर यूक्रेन ने उस मोस्क्वा को कैसे तबाह कर दिया? यकीन मानिए, इसका जवाब जब आपको पता चलेगा तो आप दंग रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि यूक्रेन ने इस दर्जे की सटीक प्लानिंग की थी। देख रहे हैं अब यूक्रेन ने क्या किया। ब्लैक सी में जब ये क्रीमिया और ओडेसा, बल्कि ओडेसा और माइकोलीव के बीच में मूवमेंट कर रहा था, तब यूक्रेन ने इसका ध्यान डाइवर्ट किया अपने TB2 ड्रोन्स के चलते। इन्होंने अपने मिसाइल सिस्टम को उसकी ओर फोकस किया। उसके बाद क्या हुआ सीधे देखें। यहां पर अगली खबर जो चेंज करें, ध्यान भटकाकर एंटीशिप नेपच्यून मिसाइल से हमला किया यूक्रेन ने। सोचें, दिमाग देखें आप। उन्होंने अपने ड्रोन्स लगाए इसके आसपास जिससे कि इसका ध्यान भटकाया, और उसके बाद नेपच्यून मिसाइल जो है, जो 280 किलोमीटर तक जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया इसके ऊपर अटैक करने का। और आपको सुनकर हैरानी होगी, यूक्रेन ने यह ड्रिल कई दिनों से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और रशियन इंटेलिजेंस को पता नहीं था। 12,500 टन के गाइडेड मिसाइल क्रूजर के इस तरह धुआं धुआं हो जाने से पुतिन तिलमिला गए। मॉस्को ने इतने बड़े नुकसान की कल्पना भी नहीं की। इस युद्धपोत पर सवार 500 से ज्यादा रूसी नौसैनिक अभी किस हाल में हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता। TV9 भारतवर्ष के सूत्रों का दावा है कि पुतिन ने इस भीषण मिसाइल कांड की पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय से मांगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं, आखिर रूस के लिए मोस्क्वा वॉरशिप का यू खाक हो जाना इतना बड़ा नुकसान क्यों? इसको ब्लैक सी का किंग कहते हैं। हेलीपैड यहां पर देखें, इसमें चॉपर्स हुआ करते थे, K-27 चॉपर्स यहां पर। नेक्स्ट चेंज करें, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वो भी थे इसमें, हैवी वेट टॉर्पीडोस ट्यूब वो भी थे इसमें, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 600 एंटी सबमरीन रॉकेट, 6 AK-630 एंटी एयरक्राफ्ट गन,
एंटी सबमरीन रॉकेट, इसीलिए इस मोक्षवा को ब्लैक सी का किंग कहते थे। ब्लैक सी का किंग, AK-130 ड्यूल पर्पस गन इसमें मौजूद थी। यूक्रेन को अमेरिका और नेटो के कई देशों से घातक मिसाइलों की मदद मिल रही है, लेकिन रूस के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी यूक्रेन ने अपनी देसी मिसाइल नेपच्यून से हासिल की। नेपच्यून यूक्रेन की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसे लुक डिजाइन ब्यूरो ने डेवलप किया है। इस मिसाइल की डिजाइन रूस के KH-35 एंटी शिप मिसाइल से मिलती है। इस मिसाइल का वजन 870 किलोग्राम है और 280 किलोमीटर की रेंज में ये टारगेट का समूल नाश करने की कुव्वत रखती है। पुतिन पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो यूक्रेन की जंग को रोकने के मूड में नहीं, और अब रूस को ब्लू बैटल ग्राउंड में इतना बड़ा नुकसान पहुंचाकर यूक्रेन ने तबाही का दरवाजा खटखटा दिया है। पुतिन की सेना अब इस हमले का इंतकाम लेने की तैयारी में है। किसी भी वक्त यूक्रेन के वॉर जोन से ऐसी खबर आ सकती है जो मोस्कवा पर अटैक से भी ज्यादा शॉकिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।